आइए जानते हैं बॉलीवुड के इन खूबसूरत स्टार किड्स के बारे में जो इस साल 2024 में बॉलीवुड में अपना कदम रखने जा रहे हैं। राशा थडानी। रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी के डेब्यू से पहले ही सोशल मीडिया पर काफी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी बेताब नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो राशा साउथ की सुपरस्टार रामचरण की फिल्म से अपना फिल्म डेब्यू करने वाली हैं। उनका ये डेब्यू काफी बड़ा पैन इंडिया फिल्म होने वाला है। दरअसल रवीना टंडन चाहती है कि उनकी बेटी की फिल्म करियर की शुरुआत किसी बिग बजट और धमाकेदार फिल्म के साथ हो। शनाया कपूर। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर का स्टारडम अभी से काफी ज्यादा है। शनाया को लेकर मीडिया में खबर चल रही है कि वो जल्द ही इस साल साउथ फिल्म से अपना डेब्यू करने वाली हैं। दरअसल शनाया कपूर साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म वृषभा में नजर आएंगी। शनाया इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। पश्मीना रोशन। ऋतिक रोशन की खूबसूरत बहन पश्मीना रोशन भी काफी लंबे वक्त से बॉलीवुड डेब्यू को लेकर चर्चा में बनी रही। हालांकि फैंस का इंतजार अब खत्म होने को आया है क्योंकि पश्मीना भी इस साल डेब्यू करने वाली है। खबरों की माने तो पश्मीना शाहिद कपूर की फिल्म इश्क विश्क के रीमेक से बॉलीवुड में अपना कदम रखेंगी। इब्राहिम अली खान। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम भी इस साल बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं। दरअसल इब्राहिम करण जौहर की फिल्म सरजमीन से बॉलीवुड में कदम रखेंगे। उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। अहान पांडे। अनन्या पांडे के भाई अहान पांडे भी 2024 में बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करेंगे। खबरों के मुताबिक वो यशराज प्रोडक्शंस के एक धमाकेदार फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। अभी से अहान की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। अमन देवगन। अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन को लेकर काफी लंबे समय से ये खबर आ रही है कि वो जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने वाला है। अमन अजय देवगन के बहुत करीब है और इसलिए अमन के डेब्यू की सारी तैयारी अजय ने अपने कंधे पर ले रखी है। दरअसल अमन अभिषेक कपूर की अगली फिल्म में राशा थडानी के साथ नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 9 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। जुनैद खान। आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी आखिरकार यशराज फिल्म्स की फिल्म महाराजा से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। जुनैद की ये फिल्म इसी साल रिलीज होगी। वही जुनैद ने साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ भी अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। जिब्रान खान। महाभारत में अर्जुन का रोल निभाने वाले एक्टर फिरोज खान के बेटे जिब्रान खान भी इसी साल बॉलीवुड में अपना कदम रखने वाले हैं। खबरों की माने तो जिब्रान खान पश्मीना रोशन और शाहिद कपूर के साथ इश्क विश्क के सीक्वल में अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। इससे पहले जिब्रान करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान और काजोल के बेटे क्रिश के रोल में नजर आए थे।